मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज उठाने की आवाज दीजिए। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। असाउद्दीन ओवैसी जी, सर मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं, और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी हैं, कस्टोडियन हैं, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए, और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मजारा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। सर आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहाँ पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा, और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया।